नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ एन के वर्मा। थाना मनकापुर क्षेत्र अंतर्गत 24 मई को हुए मारपीट को लेकर पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने के विरोध में शव को सड़क पर रखकर सैकड़ों लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। चलिए देखते हैं क्या है पूरा मामला। थाना मनकापुर के क्षेत्र के अंतर्गत एक मारपीट की घटना प्रकाश में आई, क्या पकड़ा सर, क्या कार्रवाई की गई? और थाना मनकापुर जनपद बोला 24 मई को चार मोहम्मद अब्दुल के बीच सागौन के पेड़ को काटने को लेकर के इनमें विवाद हो गया था। दोनों तरफ से जिसमें चांद मोहम्मद को और उनके पिता अब्दुल कलाम को छुट्टी आई थी। चांद मोहम्मद की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था धारा 308 और अन्य धाराओं में। थाना मनकापुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। चांद मोहम्मद के पिताजी को जिला अस्पताल से रेफर किया गया था। दो तीन दिन तक इलाज चलता रहा। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनका पंचायत पोस्टमार्टम कराया गया। उनकी धाराओं में अभियोग तरमीम किया गया और नामजद 25 लोग थे उनको गिरफ्तारी का प्रयास किया गया और दो लोगों को रियाज अहमद के दो लड़के गिब्बू और राजू जो नामजद थे उनको गिरफ्तार किया है। उनको मानी जाने के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस बीच ये भी अवगत कराना है कि जो वादी पक्ष के द्वारा जो गिरफ्तारी का दबाव बनाने के लिए लोगों को मनकापुर में इकट्ठा किया गया था। वर्तमान में आपदा चल रही है, ये आपदा प्रबंधन के अधिनियम और जो धारा 144 है उसका उल्लंघन है। उनके विरुद्ध भी आपदा प्रबंधन अधिनियम और धारा 144 के उल्लंघन में वैधानिक कार्रवाई की गई।